बच्चों बच्चों मैंने अपने इनको उसी टाइम पे बोला था, कोटा में हंगामा हो रहा है, आप बच्चे ऐसे मर रहे हैं सर, देखो। अलग सर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उनको क्या राय देना चाहोगे? क्योंकि सर अलग सर जो है वो बहुत सारे वीडियोस में उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बातें भी अफवाह है या पता नहीं मुंह से नहीं बातें यहाँ से लोगों के कि कहीं ना कहीं फंडिंग की वजह से या और भी बहुत सारे कारणों की वजह से अलग सर की भी उतनी नहीं चल रही है अब उतनी कंपनी में जैसे कि सुनने को आता है। तो आप सर अलग सर को क्या कहना चाहोगे? एवरीबॉडी तो हमारे साथ वंस अगेन एनवी सर जुड़ रहे हैं। सर थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो ये जो भी ये मैटर चल रहा है, जो भी ये कॉन्ट्रोवर्सी है, जो भी सर पॉइंट्स वगैरह चल रही है, तो एक तरीके से मैंने सोचा कि आपका राय लेना, रीजन बींग कि लाखों बच्चे जो है वो देश भर से वो आपको फॉलो करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सर इस पे आपका क्या राय है। पहले तो आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो देख लेते हैं, उसके बाद और भी मेरा कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ऐसे मत करो सर, चुप हो जाओ आप। सर नहीं सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे, सर जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं। कुछ नहीं, इस तरीके से होता रो रहा है सर, रो रहा है लोग जो आपके लिए काम किया था। सर आप नहीं नहीं बच आप। पाओगे, झूठे झूठे आरोप नहीं बच पाओगे सर। अरे खटखट एक मत करो सच्चा सर, टीचर आप नहीं, लोगों के पास इतना ही जवाब एक है। सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है। आप जवाब जिस नहीं दिन दे सकते मिलेगा आप डर सर, जाओगे सर, हमें नहीं दे सैलाब सकते। आएगा। बच्चों तुम्हें मदद करना होगा हमें, मैं बताऊंगा सर, हम कुछ नहीं, आज हम लोग कोई जवाब नहीं देंगे सर, रुक जाओ, आज बताऊंगा सर। अरे प्लीज सर, करो सर, हम लोग बच्चों कोई जवाब नहीं सर देंगे। हमें हमें मेरा कौन फोन सा कहाँ है सर? बच्चों का आंसर सर, करना है, बच्चों का आंसर सर कौन करो रहे? मैं बताता प्लीज हूँ, प्लीज सर, मैं समझाइए सर सर, एक साल प्लीज पहले प्लीज बोला था इनका, मैं नहीं काम करूंगा इनसे सर। प्लीज 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 सर, प्लीज 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 मिला करो। नहीं, ऑलरेडी हम चलो लोग आपके पहले साथ में नहीं इन्फॉर्मेशन आ कर रहा चुके था थे सर। आपके बच्चों पास। तुम लोगों को पता होगा मैंने अरे 10 दिन सर रुक क्लास जाओ, नहीं लिया कुछ था। रुक जाओ बच्चों सर, मैंने प्लीज इनको उसी टाइम पे बोला था, कोटा में हंगामा हो रहा है, आप बच्चे ऐसे मर कुछ, रहे हैं सर, देखो कोटा को मतलब हम बर्बाद बोलना कर ही दिया चाह रहे बच्चों का थे। पैसों को नहीं इन अरे लोगों सर ने। रुक, बस छोटा तो करो यार, बच्चों छोटा हम तो बच्चों को जवाब ही दायरा नहीं में करना मारे चाह रहे थे, सर, बच्चों को सर टेंशन नहीं देना चाह रहे थे सर आप लोग। कैसे सर टीचर यहाँ पे रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं? सर क्या है, मैंने एक्चुअली ऐसा इनके जहाँ से छोड़ गया हूँ उनका भी अध्यापक का वीडियो देखा था। मेरा सबसे पहले तो कहना है कि अब ये जो बच्चे ना हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं अध्यापकों से, और वो 16 से 19 साल के होते हैं तो उनकी भले डीडोल हमारी जैसी हो जाती है, पर व्यक्ति व्यक्ति मतलब मानसिक रूप से बहुत छोटे से बच्चे होते हैं, बहुत निश्चल प्रेम करते हैं हमसे। तो मेरा एक कोई कहना है कि शिक्षाविद को एक ये बात ध्यान में रखनी होती है कि जो निश्चल प्रेम है उसका सम्मान किया जाए, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। ये मेरी पहली एक ओपिनियन है कि उसका मतलब उसका सम्मान करा जाए, उसको इस्तेमाल नहीं करना है अपने को। दूसरी बात जो आपने बोला कि बच्चे मर रहे हैं, कोटा में कोई बच्चा नहीं मर रहा है, कोटा में कोई बच्चा नहीं मर रहा है ना। हाँ ये हो सकता है कि किसी सिस्टम से परेशान हो, तो हो सकता है भावनात्मक वश उन्होंने कुछ बात कह दी हो। दूसरे वीडियो में मैंने देखा था जो उनके जहाँ से आए उनमें था, तो बच्चे मर नहीं रहे, आई थिंक परेशान हो सकते हैं। तो सर ये जो भी पॉइंट चल रही है, जो भी ये दोनों PW और जो टीचर्स वहाँ से छोड़ के अपना संकल्प इन्होंने स्टार्ट किया है, ये जो भी मुद्दा चल रहा है इस पे आपका क्या राय है? आपने देखा अपने वीडियोस वगैरह जो आई थी बाकी हाँ कुछ टीचर्स कुछ की? कुछ पूरे तो नहीं, पर मैंने कुछ शॉर्ट्स देखे। मेरा ऐसा मानना है कि कोटा में भी ऐसा कई बार होता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि जो भी एक हम शिक्षाविद हैं तो हमको एक शिक्षा की गरिमा बनाए रखनी है। हमारे हमारे कंधों पर शिक्षा की इमेज भी है, अपन हम समझें तो हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, शिक्षा को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो हम पर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो गरिमा बनी रहे, ये जो भी आपस में जो थोड़े से तालमेल गड़बड़ हुए हैं उसको पर्दे के पीछे ही रखा जाए। बच्चे से सिर्फ शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए, कैसे उसको पढ़ाई करनी चाहिए, उस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध है कि शिक्षा की गरिमा को बनाए रखा जाए। सर ये जो दोनों प्लेटफॉर्म में उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो भी पॉइंट उठाया है, जैसे कि जो टीचर्स वहाँ से निकल के गए तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे वर्टिकल्स में वो जा रहे हैं जिसके चलते एक फोकस नहीं है, फिर से यहाँ पे दूसरे साइड के टीचर आए, उन्होंने आके कहा कि फंडिंग मतलब कि कोई एक बड़ी संस्था है जो इन्हें करोड़ों का पैकेज ऑफर कर रही है इसलिए ये छोड़ रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है इसमें, मतलब क्या आपको लगता है कि टीचर्स जो हैं वो पैसों की वजह से कोचिंग को छोड़ते हैं या पैसे को वजह से कोचिंग छोड़ना सही है? देखिए इस केस में वास्तविकता में क्या हुआ है, नो कमेंट मुझे, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है किस वजह से छोड़ा गया है। मैं उनकी इंटरनल सिचुएशन को और इंटरनल डायनेमिक्स को नहीं समझता। मैं इस क्षेत्र का अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ
क्योंकि मुझे काफ़ी समय हो गया है, 20 वर्ष इस क्षेत्र में हो गए और बहुत साल से कोटा में काम कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि टीचर एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाता है, इसका 95% टाइम कारण मनी हाइक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 5% टाइम कुछ हो सकता है कि सिस्टम में फ्लॉ हो या कोई गड़बड़ कर दी हो, पर 95% टाइम मनी ट्रांजिशन होता है। पर छोड़ने के भी दो तरीके होते हैं, ये मिडिल में छोड़ दिया आपने और आपका सिर्फ प्रतिपक्ष ये है कि पैसे की वजह से हमने बच्चे का नुकसान कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी छोड़ते हैं जिनको हाइक मिल रहा है, सेशन पूरा कंप्लीट करा, ढंग से छोड़ा। तो दोनों तरीके से अपन इस पर देख सकते हैं कि हाँ भाई किस तरह से आपने छोड़ा है। दूसरी बात आपने बोली कि वर्टिकल्स बहुत सारे खुल गए हैं, फंडिंग बहुत सारी आ गई है, तो ये हो सकता है इस केस में 95% वाला क्राइटेरिया डिफरेंट हो। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है कि बिकॉज ऑफ फास्ट एक्सपेंशन बहुत सारे वर्टिकल्स खुल रहे हैं, तो बच्चों की जो केयर होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और इस वजह से ये अध्यापक व्यथित हों। तो इस वाले केस में 95% और 5% वाला मेरे जो कोटा का रूल है वो कितना अप्लाई होगा, आई रियली डोंट नो। ये जो टीचर्स छोड़े इनको आप जानते हो, कभी मिले हैं? इनसे एक बार व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, बाकी बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला हूँ, पर हाँ इनको जानता हूँ क्योंकि जो हमारे यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर से नीट उनके अंडर में और उन्होंने साथ में इन्होंने काम करा है। तो मैं बच्चों को भी बोलूँगा कि बहुत सारे टीचर्स जाहिर सी बात है बहुत अच्छे अध्यापक हैं, पर मैं बोलूँगा कि ये जो अध्यापक हैं कोटा में मोशन में, ऐसे काफ़ी सारे अध्यापक हैं जो इस स्तर को मेंटेन करते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि ये राइट टाइम पे कोविड में अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा जिसकी वजह से एक्सपोजर ज़्यादा मिला। राइट सर। सो सर मेरा जो लास्ट सवाल है वो ये है कि अलग सर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, उनको क्या राय देना चाहोगे? क्योंकि सर अलग सर जो है वो बहुत सारे वीडियोज़ में उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया है, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बातें भी अफवाह है या पता नहीं मुँह से नहीं बातें हैं यहाँ से लोगों के कि कहीं ना कहीं फंडिंग की वजह से या और भी बहुत सारे कारणों की वजह से अलग सर की भी उतनी नहीं चल रही है अब उतनी कंपनी में जैसे कि सुनने को आता है। तो आप सर अलग सर को क्या कहना चाहोगे? वैसे तो वो खुद समझदार हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, बट क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं उन्होंने भी मेरे को कई बार अप्रिशिएट कराया, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि अलग सर और मैं एज अ शिक्षाविद शायद एक कॉमन विजन शेयर करते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट। इनिशियली ही हैज़ डन अ रियली गुड जॉब, उन्होंने सही में सेवा के भाव से बहुत सारी चीज़ें करी, पर जो आपने बोला वो मेरे को कई बार दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। तो मैं एज ए फ्रेंड अलग सर को ये बोलूँगा कि सर आपकी और हमारी रियल ताकत बच्चों का प्रेम है। फंडिंग का प्रेशर कितना होता है आई रियली डोंट नो, क्योंकि हम फंडेड कंपनी नहीं है, हम बूटस्ट्रैप्ड हैं और शायद कई बार इसलिए हम उस चीज़ में कूदे भी नहीं कि ऐसा प्रेशर नहीं आ जाए कि हमारा पर्पज़ अल नहीं हो जाए। हमारा पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि हम पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करें, हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए हम कैसे क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करें, और यही विजन अलग सर का भी है। बट क्योंकि मैं कई बार सुनता हूँ तो ऐसा नहीं हो कि पीडब्ल्यू में मैं इतना बोल सकता हूँ एज ए फ्रेंड कि इस फिलॉसफी पे आपको चलना चाहिए, अगर आपको जो भी जिनसे आपने फंडिंग ली है या जो भी चीज़ें हैं उसकी वजह से आपका कहीं पर्पस डिफीट ना डेविएट ना हो जाए। दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू ऐड टू हिम। राइट सर।